हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी पर्सनल डॉक्टर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर सेक्स करने वाली कुछ ऐसी गलतियों की जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो अक्सर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स पूछते हैं। पहला, इंटरकोर्स करने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। सवाल थोड़ा अजीब है लेकिन आंसर सीधा है। इंटरकोर्स करने के फौरन बाद आप सोएं नहीं। ड्यूरिंग सेक्स आप अपने पार्टनर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टच करते हैं और वहाँ पर जर्म्स और बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए बेटर रहेगा कि सेक्स करने के कुछ टाइम बाद आप बाथ ले लें। अगर आप नहा नहीं सकते हैं तो कम से कम अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट को एंड हैंड्स को वॉश कर लें। लेकिन ध्यान रखें कि सेक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट रुककर ही बाथ लें या हैंड और प्राइवेट पार्ट को वॉश करें, वो भी नॉर्मल वाटर से। सेकेंड, पी आफ्टर सेक्स। बिफोर इंटरकोर्स एक पुरुष और महिला दोनों को सेक्स से पहले यूरिन पास आउट करना चाहिए। अगर वो पास आउट नहीं करते हैं तो सेक्स के दौरान लोअर पार्ट में उनको काफ़ी हैवी फील हो सकता है। और आफ्टर सेक्स पुरुष कुछ 15 से 20 मिनट रुककर ही यूरिन पास आउट कर सकते हैं, इमीडिएट ना करें। अगर आप एक महिला हैं और कंसीव करना चाहती हैं यानी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आफ्टर सेक्स आपको पी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादातर स्पर्म वजाइना से बाहर निकल जाता है तो आप प्रेगनेंसी के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन वजाइना। बहुत से पुरुष डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं अपने फीमेल पार्टनर को प्लेजर बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग सेक्स। जैसे कुछ टॉयज़ अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, तो ये काफ़ी अनहाइजीनिक होता है, इससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें। कई केसेस में तो ऑब्जेक्ट वजाइना के अंदर ही रह जाती हैं, तो ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल तक भी जाना पड़ता है। फोर प्ले। जब भी आप सेक्स के लिए जाए तो आपके पार्टनर के साथ फोर प्ले ज़रूर करना चाहिए। फोर प्ले में आपको अपने पार्टनर आपको किस कर सकते हैं, उनका हाथ पकड़ सकते हैं, उनसे उनके डिज़ायर्स जान सकते हैं। अगर आप इंटरकोर्स से पहले एक अच्छा फोर प्ले अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो आप दोनों 100% सेटिस्फाई हो पाएंगे। जो लोग फोर प्ले नहीं करते हैं उनका सेक्स काफ़ी पेनफुल और रफ रहता है और दोनों पार्टनर को प्लेजर फील नहीं कर पाते जो उनको मिलना चाहिए। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए बिफोर हैविंग सेक्स विद योर पार्टनर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग और आपके सेक्सुअल लाइफ से जुड़े टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।